नए वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को सब्सक्राइब करें। नोएडा? हाँ, क्योंकि हमारे लखनऊ वाले ऑफिस में ओपनिंग नहीं है। क्या आप कल नोएडा आके हमारे एचआर हेड से मिल सकते हो? हाँ हाँ, आ जाऊंगी मैं। सुपर, तो आपको मीटिंग का कंफर्मेशन मैं भेजती हूँ। ओके, थैंक यू मैम। क्या करूं? बेटा चले तो जाऊंगी, लेकिन रहूंगी कहां पर? सोच रही हूँ। नीमा को कॉल करती हूँ। हेलो। हाँ रीमा। अच्छा कल ना मेरा नोएडा में जॉब इंटरव्यू है, तो क्या मैं तेरे पास रुक सकती हूँ कुछ दिनों के लिए? क्योंकि इंटरव्यू का प्रोसेस 2-3 दिन का है, और जैसे ही जॉब लग जाएगी फिर तो मैं रेंट पे अपना घर ले ही लूंगी। अरे यार, मैं अपने होम टाउन आई हूँ, और मेरे बिना अगर मैंने तुझे अपने रूम पे भेज दिया तो मेरी रूममेट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। कोई बात नहीं। तूने बताया था कि तेरी बहन भी नोएडा में रहती है, तो तू उसके घर क्यों नहीं चली जाती? यार दीदी के यहाँ जाना थोड़ा अजीब नहीं हो जाएगा? यार आज के टाइम में ना बहन का ससुराल ना अपने घर जैसा ही होता है, तो डोंट वरी। ठीक कह रही है तू। तू ना ज्यादा मत सोच, कॉल कर अभी अपने बहन को। ओके चल, ठीक है, चल बाय। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। क्या दीदी के घर जाना ठीक होगा? दीदी ने अपनी सास के बारे में इतना कुछ बताया है मुझे, और रीमा भी तो ठीक कह रही है, आजकल का जमाना बदल गया है। ये गोरिल्ला की तरह आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? हाँ वाव, ऑसम लग रही। रात को तुम और भी हॉट लगती हो। ओह डियर हस्बैंड, ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा बताइए क्या चाहिए आपको? कितनी समझदार है मेरी भाई। मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसका सेंस रखती है। वैसे बताओ मुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए? आज ना मेरे अंदर एक तूफान उमड़ रहा है, उसे सिर्फ तुम ही शांत कर सकती हो। मेरे साले का फोन है, हमेशा रॉन्ग टाइम पे फोन करती। आप ना मेरी बहन को गाली नहीं दे सकते। हेलो। हेलो दीदी, कल आपके पास आ रही हूँ मैं। नोएडा में इंटरव्यू है, जॉब लगते ही रेंट पे घर ले लूंगी। ओके बाबा आ जाओ। ठीक चलो, ओके बाय। चलो अच्छा है साले साहेब आ रही है, अब ना हमारे रोमांस के बीच में नहीं आएगी वो। आप भी ना क्या ये सारी साली करते रहते हो? हाँ वो यहाँ क्यों आ रही है? जरूरत क्या है? हम आज भी अपनी बहन बेटियों के यहाँ का पानी भी नहीं पीते हैं। माँ मेहमान मेहमान होते हैं, ऐसा नहीं सोचते। एक दो दिन की तो बात है, और वैसे भी संध्या को महीनों हो गए उसे मिले हुए।
बहन बहन से मिलेगी अच्छा लगेगा, दिल बड़ा रखा करो माँ। आप टेंशन मत लो माँ जी, मैं ना उसे यहाँ 2 दिन से ज्यादा रुकने ही नहीं दूंगी। वो तो अपनी जॉब के लिए आ रही है और वो तो खुद अकेले रहना पसंद करती है। हाय दीदी। अरे आ गई तुम। और बताओ कैसी है? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कितना बदल गई है 2 महीने में, और नहीं तो क्या। लो आ भी गई। तो कहो तो वापस भेज दूँ। हाय जीजू, आप कैसे? मैं तो बढ़िया हूँ साली, तुम बताओ तुम कैसी हो? वे अब आप जैसे जीजू होंगे तो फिर साली कैसी होगी? ऑफ कोर्स आई एम फाइन, लेकिन ये ना किसी अच्छे सैलून से कटिंग कराओ, देखो कैसे चंपू जैसे बाल हो रहे हैं आपके। अच्छा मैं चंपू लग रहा हूँ? क्या बात कर रही हो साली साहिबा। और दीदी की सासू माँ आप कैसी है? थोड़ा कुछ खाइए पीजिए ना, बिल्कुल कमजोर सी लग रही है। अच्छा जीजू, मैं ना आजकल रील्स पे वायरल हो रही हूँ, तो आप ना मेरे वीडियोस शेयर करना और फॉलो भी करना, ओके? लो शुरू हो गई लाइक शेयर की भीख मंगी, जहाँ देखो वहाँ चालू हो जाती है ना। दीदी आप टेंशन मत लो भाई, मैं आपके पूरे पैसे चुका दूंगा। अबे टेंशन तुझे लेना पड़ेगा अगर 1 हफ्ते में ना मेरे पैसे नहीं चुकाए तो। अरे भाई प्रॉमिस करता हूँ भाई, आपके इस हफ्ते पूरे पैसे चुका दूंगा। कैसे चुकाएगा? अपनी गर्लफ्रेंड को बेच के? अरे भाई उस लड़की के पीछे मैंने इतना उधार ले लिया है ना, और वो लड़की किसी और लड़की के साथ फोर हो गई। लड़की से पैसा वसूल? अनिल भाई एक बार लड़की हाथ आ जाए ना, मैं उसको बेच के ना आपको सारे पैसे चुका दूंगा। वो नहीं तो कोई और लड़की पटाई होगी जो तेरे पे पैसा खर्चा करती हो। थैंक यू सो मच, मैं ये पैसे बहुत जल्दी लौटा दूंगा तुमको, पक्का प्रॉमिस। अरे थैंक यू भाई, क्या आइडिया दिया है। एक लड़की है जो मेरे पे पैसा खर्चा किया करती थी। चल ठीक है। ठीक है भाई। इतना ही पता है कि वो लड़की नोएडा में, पर कहाँ और कैसे पता करूँ समझ नहीं आ रहा। मैंने पता नहीं किया तो अनिल भाई मुझे नहीं छोड़ेंगे, क्या किया जाए। दीदी तो मेरा जॉब इंटरव्यू है, अगर जॉब लग गई ना फिर तो नोएडा में ही ये घर लेकर रेंट पे आजादी से रहूंगी अकेले। शादी का सोच, इस रील वगैरह में ना कुछ नहीं रखा है। अरे यार दीदी रील्स में ही तो फेम है। तुझे ना फिलहाल समझना और समझाना दोनों ही बेकार है। अच्छा मुझे काम है, मैं चलती हूँ। यार मैं चलती। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? हम कुछ काम से बाहर जा रहे हैं, रेनू किसी चीज की जरूरत हो देख लीजिएगा। मैं क्यों देखूं? मैंने उसे थोड़े बुलाया। माँ कैसे बच्चों की तरह बात कर रही हैं आप? संध्या के साथ शादी के बाद उसका परिवार अब हमारा परिवार हो गया, तो आपने परिवार का इतने अच्छे से ख्याल रखा है तो प्लीज माँ, रेनू अब हमारे परिवार का हिस्सा है तो उसका ख्याल रख लीजिएगा प्लीज मेरे लिए। ठीक है, पर घर वापस जल्दी आ जाना, मैं अकेले उसे ना झेल नहीं पाऊंगी। ठीक है माँ, मैं यूं गया और यूं आया। बाय माँ। बाय माँ। अब इसे अकेले ही झेलना पड़ेगा इस झल्ली रेनू को। दीदी कहाँ हो? क्यों चिल्ला रही हो? विशाल और संध्या बाहर गए हैं। अरे माँ जी मुझे ना वो रील वीडियो शूट करना है,
अच्छा माँ जी आप कर देंगे क्या? बस कैमरा हैंडल करना है, आपको कुछ नहीं करना। ये सब मुझे पसंद नहीं है। इस घर को फिल्म सिटी मत बनाओ। अरे माँ जी कुछ नहीं होता, आपकी उम्र के लोग तो ना रील वीडियोस बना बना के फेमस हो रहे और पैसे कमा रहे। आप बस वैसा वैसा कीजिए जैसा मैं कहती हूँ। फोन पकड़िए, ये देखिए कुछ भी नहीं करना है। मैंने टाइमर सेट कर दिया है, आपको ये जो लाल वाला गोल बटन है ना बस ये दबा के रखना है, ठीक है? हाँ अच्छे से बस ऐसे ही पकड़ के रखना। संध्या, ये लो पैसे और आज से अपना बिजनेस स्टार्ट कर दो। थैंक यू सो मच, मैं ये पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा। संध्या मिल गई खर्चा करने वाली, अभी पता करता हूँ रहती कहाँ। चालू हो जा, चालू हो जा वरना निकल जाएगी हाथ से। हो जा स्टार्ट, हाथ से मछली निकल जाएगी। तेरे को भी अभी बंद करना पड़ेगा। शिट, कैसी फूटी किस्मत है, मछली हाथ में आते आते निकल गई। जीजू आपकी शादी को 1 साल हो गया। और 1 साल कब गुजर गया कुछ पता नहीं चला। वही तो, और आपने फैमिली स्टार्ट नहीं की। फैमिली स्टार्ट नहीं की मतलब? अरे मतलब बच्चा यार, लड़का लड़की वगैरह वगैरह। क्या कर रहे हो तुम लोग? टाइम तो देखो। विशाल अपने कमरे में जाओ, सारी दुनिया सो रही है और तुम टाइम पास कर रहे हो। रुमाल भर के कपड़े में कोई कपड़े होते? अरे तुम लोग दिखाने के लिए पहनते हो या छुपाने के लिए? ऐसा करने से समाज में गंदगी फैलती है। गंदगी फैलती है? जरा क्लियर करेंगी माँ जी, गंदगी कैसे फैलती है? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। बहस तो मैं भी नहीं कर रही हूँ माँ जी, बस थोड़ा सा ज्ञान लेना चाहती हूँ आपसे। जरा जानना चाहती हूँ कि कपड़े पहनने से या नहीं पहनने से गंदगी कैसे फैल सकती है? क्यों, कपड़े ना पहनने से गंदगी नहीं फैलेगी? तो मतलब कपड़े जितने छोटे होंगे उतने ज्यादा साफ होंगे, और छोटे कपड़ों को तो साफ करने में टाइम भी कम लगता है। कपड़े गंदे तब होते हैं जब वो लंबे होते हैं और जमीन को टच करते हैं। तो मेरे कपड़े तो इतने से। पागल अभी अभी हुई हो या बचपन से हो? क्या तुम्हें सिखाया नहीं गया कि लड़कियों को कैसे रहना चाहिए? अरे माँ जी ये फैशन है, वो फैशन को गंदगी नहीं बोलते। अब आपके दौर में कुछ और फैशन था, हमारे दौर में कुछ और फैशन है, सिंपल। तुम लोगों को समझाना मतलब सर पटकना। जीजू वेट। क्या हुआ साली साहिबा? जीजू आज ना मेरा जॉब इंटरव्यू है, तो आप मुझे ऑटो स्टैंड तक छोड़ देंगे क्या? ऑटो स्टैंड क्यों, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ के आऊंगा आज। आप कितने स्वीट हो जीजू। देख तेरी बहन को, साली आदमी घरवाली होती है
लेकिन इसकी हरकतें तो ऐसी लग रही है जैसे पूरी घरवाली बनने की फिराक में है। ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, मैंने ही रेनू को कहा था कि विशाल जी रेनू को ना जॉब इंटरव्यू के लिए ऑफिस छोड़ देंगे, और अब तक तो आप रेनू का नेचर जान ही चुकी होंगी। वो ना अपनी खुशी थोड़ा लाउडली एक्सप्रेस करती है। दीदी ने इंटरव्यू कैसे गया जाने बगैर ही प्रिडिक्ट कर लिया कि इंटरव्यू अच्छा ही गया होगा। क्या करूं, दीदी को बता दूं कि जॉब नहीं मिली है, झूठ कहूं दीदी को जिससे कुछ दिन दीदी के यहाँ रुकूं और कोई और जॉब ढूंढ लूं। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। हाँ मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, प्लीज मुझे एक बार संध्या से बात करा दो। मैंने संध्या का नंबर भी बहुत बार ट्राई किया बट बंद आ रहा था, प्लीज मुझे उसका नया नंबर दे दो प्लीज। तुमने इतने बड़े बड़े वादे किए मेरी दीदी से शादी के और किसी और लड़की के लिए उनको छोड़ दिया, अब क्या चाहते हो मेरी दीदी से? रेनू मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम्हारी बहन की शादी बहुत बड़े घर में हुई है, बस मुझे कुछ दिन के लिए थोड़े उधार पैसे चाहिए, मैं पक्का लौटा दूंगा, पक्का प्रॉमिस। ऐसे कह रहे हो जैसे पहले मेरी बहन से पैसे लेके चुका दिए हो। यार रेनू चुका दूंगा प्रॉमिस, मैंने कुछ क्रिमिनल लोगों से पैसे उधार लिए, अगर टाइम पर नहीं लौटाया ना तो वो मुझे जान से मार देंगे। तुम संध्या, मैं अभी तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। तुम ना दूर रहो मुझसे और मेरी बहन से भी। संध्या संध्या प्लीज मेरी एक बार बात सुनो। संध्या मैं संध्या आज के बाद ना अपनी शक्ल मत दिखाना, समझ आई? चल रेनू। संध्या संध्या थैंक यू सो मच, मैं ये पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा। क्या सोच रही थी? हाँ कुछ नहीं, रवि के बारे में सोच रही हूँ मैं। हाँ भी और नहीं भी, पर ये बता वो तुझसे क्या कह रहा था? उसने कुछ क्रिमिनल लोगों से पैसे लिए थे इसलिए आपका नंबर मांग रहा था कि आप उसे पैसे दे दो। जो गलती मैंने उस पे पहले ट्रस्ट करने की थी ना, वो गलती अब मैं दोबारा कभी नहीं करूंगी। गुड दीदी। पर यार तेरी जॉब मिलने की खुशी में ना हम पार्टी नहीं कर पाए। पर जॉब तो मिली ही नहीं दीदी। अरे कोई बात नहीं, कोई दूसरी जॉब मिल जाएगी। अच्छा चल मैं ना तेरा टिकट बुक करा देती हूँ वापसी का, वरना तू जॉब के बिना अगर एक भी दिन आ रही ना तो मेरी सासू माँ मेरी जान ले लेंगी। यार मुझे वापस नहीं जाना है, यार रहूंगी तो ही जॉब ढूंढ पाऊंगी, वापस चली गई तो वापस नहीं आ पाऊंगी, क्या करूं क्या करूं। अरे दीदी मैं तो मजाक कर रही थी। मतलब जॉब इसलिए नहीं मिली क्योंकि इंटरव्यू के मल्टीपल स्टेजेस होते हैं, आज पहला राउंड था वो क्लियर हो गया, अभी एक दो राउंड्स बाकी हैं। अच्छा, अरे मुझे मालूम था मेरी बहन को कोई ना कर ही नहीं सकता है। हाँ दीदी मुझे भी यही लगता था।
जीजा जी, आज तो आपने मुझे गिरने से बचा ही लिया। अब जीजा लोग तो होते ही इसलिए हैं, साली को बचाने के लिए। क्यों साली साहिबा? बस बस हाँ, इतना भी कोई बड़ा काम नहीं किया। अरे कितनी जल्दी पलटी मार गई तुम। अब जीजा हाफ फ्राई और साली ऑमलेट हो तो पलटी तो ऑमलेट ही मारेगा ना। कुछ भी बोलती हो, अब तो बड़ी हो जा। अच्छा जीजू, एक बात बताओ ना, लोग ऐसे क्यों कहते हैं कि साली आधी घरवाली होती है? सही कहते हो। मैं तो मजाक कर रहा था यार। विशाल, आज ऑफिस नहीं जाना क्या? इतनी टेंशन क्यों? संध्या, तेरी बहन उस दिन इंटरव्यू के लिए गई थी, अगर उसे जॉब ना मिली हो तो उसे वापस जाने के लिए कह दे। अरे माँ जी, वो चली जाएगी। दरअसल बात ये है ना कि उस दिन उसका इंटरव्यू काफी अच्छा चला गया था, तो इसीलिए एक दो राउंड और बचे हैं उसके। तेरे एक दो करने में ना कहीं ऐसा ना हो कि तेरा पति ना एक दो दिन में तेरे हाथ से ही चला जाए। अरे माँ जी, आप बार बार ऐसा क्यों बोल रहे हो? जो मैं देख रही हूँ वो मैं कह रही हूँ, और इसी में तेरी भलाई है। क्या हुआ, तेरे पे पैसा खर्च करने वाली लड़की मिली? अरे अनिल भाई, बस बस मिल गई। बस बस मत कर, वैसे भी तुझे दिया हुआ टाइम खत्म हो रहा है। अरे अनिल भाई, आप टेंशन मत लो, आपका पैसा जल्दी मिल जाएगा। अबे तोता है क्या, हमेशा एक ही लाइन बोलता है। अनिल भाई, आप टेंशन मत लो, मैं तेरे पैसे चुका दूंगा। सॉरी भाई। देख, वैसे भी मैंने फौरन से एक नई गन मंगाई है, वो भी रशियन मेड। उसकी टेस्टिंग अभी तक किसी पे की नहीं है। अगर तूने पैसे नहीं दी ना तो वो टेस्टिंग तेरे पे कर दूंगा। अब क्या किया जाए यार, अनिल भाई तो चांद से मारने की धमकी दे रहे हैं। पैसे नहीं मिले तो हम तो क्या। जीजू? कुछ नहीं, मुझे मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है। चार्जर मैं ढूंढवा दूं? चलो। क्या कर रहे हो तुम दोनों? कुछ नहीं, मैं वो बटन फंस गया था। संध्या तुम भी बैठ जाओ। माँ जी के लिए टमाटर की चटनी रह गई थी, बस वही लेने गई थी। टमाटर की चटनी? दीदी वो तो मेरी फेवरेट है। माँ जी मैं थोड़ी सी ले लूं। खाने पीने की यहाँ कोई मनाही थोड़ी है। हाँ मगर इतना बता दो, तुम वापस कब जाओगी? अरे माँ जी चली जाऊंगी, अभी तो आपसे बहुत सारी वीडियोस बनवाना है मुझे। वो वीडियो जो आपने बनाई थी याद है, उस पे 10 लाख व्यूज और 3000 लाइक्स आए हैं। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने। माँ जी जैसे ही जॉब लगेगी वैसे ही चली जाऊंगी। रीनू जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। इन दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा? इतनी चालाक लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। 12 दिन हो गए लेकिन बेशरम जाने का नाम ही नहीं ले रही है। ऊपर से मेरे बेटे को लुभा रही है। इसको भगाने के लिए मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा, लेकिन क्या करूं? ना तो बहू कुछ समझने को तैयार है ना बेटा। मुझे संध्या से ही बात करनी होगी।
तुम्हारी बहन को यहाँ आए हुए 2 हफ्ते से ज्यादा होने वाले हैं। वो तो चाहती नहीं यहाँ से जाना। क्या तुम भी ये चाहती है कि वो यहाँ ही पड़ी रहे? माँ जी, मैंने उससे 2 बार बात की, लेकिन वो हर बार कहती है कि कुछ दिन और फिर विशाल जी भी ना उसी का साइड लेने लगते हैं। विशाल को उसने अपनी तरफ कर रखा है। जादूगरनी है वो, जादूगरनी। बोल रही हूँ, अगर कल को कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो बहुत पछताना पड़ेगा। बता रही हूँ, ऐसा हो सकता है कि तुम अपनी बहन समझकर उसे माफ भी कर दो, लेकिन मैं अपने बेटे के बारे में कभी ही नहीं सोच सकती कि वो किसी और के साथ। जीजू, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। क्या सोच रही हूं मैं अपनी बहन के बारे में? मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ? नहीं, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। हेलो, याद आ रही है तुम्हारे? तुम तो एकदम से भूल ही गई हो। हाँ, तुम? ये नंबर तुम्हें किसने दिया? सर, अभी तो आपके सिर्फ नंबर का ही पता किया, अभी तो आपके पते का भी पता करना है। मिलना है आपसे, साल भर सा हो गया है मिले हुए, कस के गले भी लगाना है। खबरदार, अभी जो मुझे कभी दोबारा कॉल किया तो। अरे चलो, कोई बात नहीं है। क्या हुआ दीदी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं दीदी, मुझे पता है कि आप मेरे इस घर में रुकने से परेशान हो। नहीं नहीं, मुझे यहाँ तेरे रुकने से कोई दिक्कत नहीं है, पर ये तो मेरी सास को जानती है ना। दीदी, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कुछ ही दिनों में यहाँ से चली जाऊंगी। रवि, तू क्यों आए हो? और खिड़की से कूद के? किसी ने देख लिया तो? अरे मेरी जान, इसलिए तो आया हूँ खिड़की से, ताकि मुझे कोई देखे। आपका पता किसने दिया तुम्हें? क्या किसने दिया, उसमें क्या रखा है ये पूछो। क्यों आए, क्यों आए हो यहाँ पे? कोई देखने छूंगा तुमको। रवि, अब मैं किसी और की पत्नी हूँ। मेरी भी तो प्रेमिका थी। थी, लेकिन अब नहीं है। मेरे पास तस्वीरें भी हैं, दिखाऊं या फिर भेजूं? बहू, संते बहू, जाओ यहाँ से। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। 2 लाख? ये तुम पागल हो क्या? पागल तो मैं हूँ, तुम इंतजाम करो या फिर मैं इंतजाम करूंगा तुम्हारी सुनी। मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? जो तुम समझ लो। बहू जी, माँ जी आई। अच्छा ठीक है, जाता हूँ, अपना पैसे जरूर लूंगा।
लाख? अपने 2 लाख कहां से लेके आऊंगी? दीदी आज कड़ी बना दूंगी क्या? मुझे तुम्हारे हाथ की कड़ी खाने का बहुत मन हो रहा है। रेनू अब तुम्हारा यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। दीदी तुम फिर शुरू हो गई। मैंने कल ही तो तुम्हें प्रॉमिस किया था कि जैसे ही जॉब लग जाएगी मैं चली जाऊंगी, और तुम एक ही बात बार बार बोलती जा रही हो मुझे। रवि को पिक्स तुमने दी थी ना ताकि मैं डर जाऊं और तुम अपनी सगी बहन को ब्लैकमेल कर सको। लेकिन पता है मैंने वो सारी फोटोज डिलीट कर दी जो रवि के पास थी, और अब उसके पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे कि मुझे खौफ हो। इसीलिए अब तू भी जा यहां से। मुझे सब पता चल गया है तुम्हारे कांड के बारे में। तुम्हारी वजह से संध्या को पता चल गया है कि मैं तुम्हारे जरिए उसे ब्लैकमेल कर रही हूं। हेलो, कौन बोल रहा है? तुम्हें जिसका नंबर चाहिए था वो। संध्या? तो संध्या नहीं, रेनू। रेनू? रेनू प्लीज मुझे संध्या का नंबर दे दो प्लीज। संध्या का नंबर देने के लिए ही कॉल किया है तुमने, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारे लिए कुछ करना हो। हमारे लिए मतलब? मतलब तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए पैसे चाहिए और मुझे एक नया आशियाना बसाने के लिए। तुम कहना क्या चाहते हो? जरा अपना फोन चेक करो। ये पिक्चर्स तुम्हारे पास कैसे? इन पिक्चर्स से ही तुम संध्या को ब्लैकमेल करोगे और उससे पैसे मांगोगे। ठीक है, समझ लो तुम्हारा काम हो गया। गुड। रेनो सॉरी, गलती हो गई। अब गलती सुधारने का क्या करना है? अपने पैसे भूल जाओ। अब पैसे भूल जाओ? पैसे तो मुझे चाहिए और मैं पैसे लेकर रहूंगा। रेनू अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले ना तो तुम सोच लेना, जब मैं तुम्हारी बहन को ब्लैकमेल कर सकता हूँ तुम अपने बारे में सोचो तो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता। तुझे जो करना है कर ले, जा। दीदी आपके चक्कर में ये रवि मेरे गले पड़ गया, तो चुपचाप से उसको पैसे दे देती ना तो आपकी परेशानी खत्म हो जाती। लेकिन आप देखते जाइए मैं क्या करती हूँ। मैंने जन्म लिया उसी माँ की कोख से मेरी बहन ने, फिर क्यों? आखिर क्यों? कहां से लेके आऊंगी?
हुआ दीदी? तुम्हें लगा तुम बहुत स्मार्ट हो? नहीं दीदी, तुम स्मार्ट नहीं हो। तुमने रवि के फोन से तो सारी तस्वीरें डिलीट कर दी थी, लेकिन सारी तस्वीरें मेरे फोन में भी है। भेजी है तुमको, देखो जरा। और वो 2 लाख रुपए वाला मैसेज, वो भी देखा ही होगा। रवि तुमसे पैसे लेने आया होगा, है ना? अब तुम एक काम करो, जो भी पैसे तुम रवि को देने वाली थी ना, वो पैसे तुम मुझे दो, सिर्फ मुझे। तुम इतना कैसे गिर सकती हो? हाँ, अब इतने अमीर घर में शादी की है तो छोटी बहन की जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी ना। अभी तो बड़ी बहन का फर्ज होता है। अब छोटी बहन को पैसों की जरूरत है तो बड़ी बहन इंतजाम करेगी और लाकर देगी। हाँ, मैं पैसे लाके दूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, पर तुझे ना पैसे जरूर मिलेंगे। ये ले 1 लाख रुपए, ये मैं अपनी ज्वेलरी बेच करके लाई हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि इतने रुपए ना तेरी औकात से कहीं ज्यादा बढ़कर है, इसीलिए अब इन्हें ले और दफा हो जाए यहां से रेनू। इतने से पैसों से क्या होगा? अरे मुझे एक बड़ा घर लेना है, वहां सेटल होना है, पैसे तो पूरे लगेंगे। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, चली जाए यहां से। संध्या, जो तुमने शादी में ज्वेलरी पहनी थी वही पहन लेना, तुम्हारी साड़ी पे अच्छी लगेगी। क्या हुआ? ज्वेलरी बहू के पास नहीं है। नहीं है मतलब? ज्वेलरी मैंने पॉलिश के लिए भेजी है, कल या परसों तक मिलेगी। माँ, चलो ठीक है, कुछ और पहन लो, मैं तुम्हारा नीचे इंतजार करता हूँ, जल्दी आना। आपने झूठ बोला, मतलब आपको सब पता लग गया? हाँ, मुझे सब पता चल चुका है। मैंने तुम्हारी और रेनू की बहस सुन ली थी और मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। ये ले 1 लाख रुपए, ये मैं अपनी ज्वेलरी बेच करके लाई हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि इतने रुपए ना तेरी औकात से कहीं ज्यादा बढ़कर है, इसीलिए अब इन्हें ले और दफा हो जाए यहां से रेनू। मैं सब ठीक कर दूंगी। रेनू, तुम अपनी बात से मुकर रही हो? कौन सी बात? हाँ, और कौन से पैसे? जब प्लान ही फेल हो गया तो किस बात के पैसे दूं तुझे? किस बात के पैसे? इन पैसों में मेरा भी हक है। कौन सा हक? रेनू हाथ मत लगाओ। क्या कर लेगा? रेनू मत हाथ लगा। कर क्या लेगा तू मेरा? रेनू मत हाथ लगा। रेनू तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पे हाथ उठाने की? हाँ, सासू माँ, आप पुलिस को फोन लगाइए और साथ ही जो है विशाल को भी फोन लगाइए। आज मैं सारा सच बता ही देती, बता देती हूँ कि हाँ मेरा भी एक अतीत था, मेरा इसके साथ 1.5 साल पहले प्यार का रिश्ता था, और मैं इससे शादी करने वाली थी, लेकिन अच्छा हुआ जो नहीं हुई मेरे इससे शादी। सासू माँ, अब फौरन पुलिस को फोन लगाइए और साथ ही विशाल को भी फोन लगाइए। हेलो पुलिस। दीदी मुझे माफ कर देना, मुझसे बुरी बहन इस दुनिया में कोई नहीं होगी, मैंने आपका इतना दिल दुखाया,
मैंने जो कुछ भी किया वो कोई और बहन करने का सोच भी नहीं सकती। मैंने आपको रुलाया, थोड़े से पैसे के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, आप खुद लोगों की नजर में गिराने की कोशिश की। मैंने बहनों के रिश्ते को बदनाम कर दिया दीदी। मैं जानती हूँ कि मैं माफी लायक तो नहीं हूँ, बट फिर भी आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो दीदी, आइंदा मैं आपका दिल कभी नहीं दुखाऊंगी। मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने तुम्हें इतना टॉर्चर किया दीदी, फिर भी तुम उस रवि से मेरे लिए लड़ ली। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं चली जाऊंगी, मैं आज ही चली जाऊंगी यहां से।